भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका फिर चौक कर गई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत 7 रन से फाहते। 177 के ताकुब में जनूबी अफ्रीकन टीम 169 रन ही बना सकी। मैच एक वक्त पर पूरा जनूबी अफ्रीका के हाथ में आया। भारतीय शायकीन रो भी पड़े। भारतीय बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया। क्लासन के आउट होते ही मैच हाथों से निकल गया। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मिलर आउट हुए तो मैच डेड हो गया। पांड्या ने बेहतरीन ओवर करा कर टीम को मैच जितवाया। पूरे टूर्नामेंट में ना चलने वाले कोहली फाइनल में चल पड़े। 74 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी खुशी में आपदीदा हो गए। भरपूर जश्न मनाया। भारत इससे पहले 2007 में T20 का आलमी चैंपियन बना था। जनूबी अफ्रीका जीत जाता तो पहली बार ट्रॉफी कैरी करके तारीख रकम करता। विराट कोहली का T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अपनी आखिरी T20 इनिंग्स यादगार बनाई। मैन ऑफ द मैच करार पाए। 15 विकेट लेने वाले बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। मैच के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी रो पड़े। मिलर समेत दीगर खिलाड़ियों की आंखें झलक पड़ी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। बढ़ती तुगयानी के बाईस समुद्र में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी। दफा 144 नाफिज। पाबंदी 27 जुलाई तक लगाई गई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मतला अबर आलूद। आसाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और डेरा इस्माइल खान में बादल जमकर बरसे। कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अमवात। हालिया दिनों में होने वाली अमवात की तादाद 29 हो गई। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक 2 अमवात सिविल अस्पताल, 2 अब्बासी शहीद अस्पताल में रिपोर्ट हुई। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम रखा गया। जस्टिस अतर मिनुल्ला का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मकसूद नशस्तों के केस में इजाफी नोट। 4 सफाहात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया, ये सिर्फ मकसूद नशस्तों का नहीं असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स के आईनी हकूक का केस है। बादल नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद किसी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत देने का फैसला आरोस पर डालने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से अवामी अहमियत के कई सवालात ने जन्म लिया। आम इंतखाबात से पहले और बाद में आने वाली शिकायत की मुकम्मल तफसील फराहम की जाए। का जो बजट इस फॉर्म 47 की मुद्दत पास कराया, ये इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है। ये पाकिस्तान की अवाम पे कातिलाना हमला है। ये बजट फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है, ये IMF का बजट है। मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है, इन्होंने 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की। बड़े लोगों ने उस पर कमीशन मारा। काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई, वो गंदम काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव भेजी। अब हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। अमरीकी कारदात ने मदाखलत की, क्या बात है। पूरी दुनिया इंतखाबात पर मुतरस है। PTI को उसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब कहते हैं, हुकूमत ने अपोजिशन से कारदात इसलिए शेयर नहीं की, उनका झूठ पकड़ा जाता। एक सवाल के जवाब में बोले, मसरूफियात के बायस पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया। वज़ीर आज़म का हुकूमती अखराजात में कमी और हुकूमत का हुजम कम करने के लिए बड़ा कदम। PWD की तहलील पर अमल दरामद शुरू। शहबाज शरीफ ने कहा, WD की तहलील का अमल फिलफौर शुरू किया जाए। तहलील के अमल के दौरान मुलाजमीन के मफादात का तहफ़ किया जाए। PWD के एहसास के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाए। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी में बज़ात खुद करूँगा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत 5 घंटे तवील इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी, रावलपिंडी ता मरी टूरिस्ट क्लास ट्रेन प्रोजेक्ट बनेगा। मरी रोड पर हाई राइज होटल बिल्डिंग हटाने का फैसला। जीपीओ चौक से होटल मुतबादल मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का असूली फैसला। नवाज शरीफ ने कहा, गरीब आदमी को तंग ना किया जाए, हुकूमत स्टॉल्स खुद लगा कर दे। मरियम नवाज बोली, मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका, आवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। आई में जिनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद हुआ, जो आज मुकदमे सह रहे हैं, जो तरीके इंसाफ के लिए जो है जिनकी कुर्बानियां हैं, उनको आपने जो है वो ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग पीटीआई में ना आए। सारी जो इस वक्त जो क़यादत है तरीके इंसाफ का, ये जो ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, इसकी कोशिश ये है कि ये चूँकि खुद चूहे हैं, ये चाहते हैं कि कोई बड़ा आदमी तरीके इंसाफ में ना आए ताकि इनकी चांदी चलती रहे। फवाद चौधरी की हामिद खान और रऊफ हसन पर इल्जामात की बौछाड़, कहा दोनों तरीके इंसाफ को खा रहे हैं, उनसे जान छुड़ाने तक ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता, ये चाहते हैं उनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना है, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, कुछ पार्टी मामलात को पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए था। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, उमर अय्यूब का इस्तीफा अभी तक बानी पीटीआई के पास नहीं किया, पार्टी ने दरख्वास्त की है इस्तीफा कबूल ना किया जाए, बानी पीटीआई जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली अपोजिशन के रवैये पर फट पड़े, एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। मलिक अहमद खान ने कहा, एहतजाज गलीज गालियों तक पहुंच चुका, ऐवान के अंदर हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं, अरकान के अहले खाना को गिरी हुई बातों से निशाना बनाया जा रहा है, अपोजिशन की हरकतों को बहुत बर्दाश्त किया, माहौल किसी सूरत ख़राब नहीं होने देंगे। उधर पंजाब असेंबली ने बजट मंजूर कर लिया, अमरीकी करारदाद के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन एहसन रजा खान ने करारदाद पेश की, कहा गया अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत है। स्पीकर साहब को मुखातिब करके ये कहूंगा कि आप इन आकाओं को क्यों खुश कर रहे हैं, आप असेंबली के कस्टोडियन हैं, और आज हम जब गए और हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर को अंदर नहीं जाने दिया, कल उनको बकायदा रोका गया, फिर अब मुझे ये बता दिया जाए कि क्या अपोजिशन का एहतजाज हक नहीं है। पंजाब में अपोजिशन ने अपनी असेंबली लगा ली, 11 अरकान की मौतली पर अपोजिशन का धरना, असेंबली के मरकजी दरवाजे पर शदीद एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने कहा, हमारे 11 लोगों को मुअत्तल करके गैर आनी इकदाम उठाया क्या, स्पीकर पार्टी बन चुके हैं, वो हमारे तमाम 107 अरकान को ही मुअत्तल कर दें। अपोजिशन का मरकजी दाखिली दरवाजे पर अलामती इजलास, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकास मान ने स्पीकर की कुर्सी संभाली, अलामती इजलास में करारदाद दी भी मंजूर की गई। अपोजिशन का मुअत्तल साथियों की फौरी बहाली का मुतालिबा, 2 घंटे बाद अपोजिशन ने अपना इजलास खत्म कर दिया। सिंध हुकूमत की अगस्त 2023 के इश्तहारात के मुताबिक 54,000 से ज़ायद भर्तियां कलदम करार, सिंध हाई कोर्ट ने एमकेएम की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया, लिखा मुस्तकबिल में वॉक इन इंटरव्यू के बुनियाद पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। सिंध हुकूमत भर्तियों से मुतालिक बनाए गए कानून के मुताबिक नई भर्तियाँ यकीनी बनाए, ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 की पोस्टों पर ज़िली बुनियादों पर भर्ती की जाए। कानून का तयशुदा असूल है, एक जुर्म पर एक से ज़्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता,
एक वाक्य के मुतालिक पुलिस स्टेशन के सिवा कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। अपने तफसीली फैसले में कहा क्या आईनी अदालतों की जिम्मेदारी है शहरियों के हकूक का तहफ्फुज़ करें, सियासी जमातें हुकूमत में हों तो सियासी मुखालिफीन पर बेबुनियाद केस बनानी है, सियासी मुखालिफीन पर एक ही इल्ज़ाम है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमा दर्ज कराए जाते हैं, सियासी मुखालिफीन को ऐसे टॉर्चर करना सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा असूल की खिलाफ वर्जी है। जायदादों की फरोख्त पर पहली बार फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। बजट में प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट और इंतकाल पर फाइलर के लिए 3% और नॉन फाइलर के लिए 5% FED आयद। कौमी असम्बली से मंजूर फाइनेंस बिल सदर को भिजवा दिया गया, दस्तखत के बाद नाफिज हो जाएगा। बिल्डर्स और डिवेलपर्स पर भी टैक्स आयद। सर्विंग और रिटायर्ड विफाकी और सूबाई मुलाजमीन, मुसल्ह अफवाज और जंग में जख्मी होने वालों के लिए गैर मनकूला जायदाद की फरोख्त और इंतकाल पर एडवांस टैक्स खत्म। 56 लाख से ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स 45 से कम करके 40% कर दिया गया। 1 करोड़ सालाना से ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स पर 10% सरचार्ज आए। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नूर रहमान का कहना है पाकिस्तान किसी भी फौजी ऑपरेशन का मुतहमल नहीं हो सकता। KPO बलोचिस्तान ने फोर्सेस लगा देना दुरुस्त इकदाम नहीं, अफगानिस्तान से बातचीत के जरिए मामलात हल होने चाहिए, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। मोदी को इलेक्शन से पहले हर हाल में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर मुकम्मल करना महंगा पड़ गया। पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत चपक गई। हुकूमत ने वाकई को बड़ी लापरवाही करार दे दिया। शहरी हुकाम के 6 अफसरान मुअत्तल, नई दिल्ली में मूसलाधार बारिशें, 5 अफराद हलाक हो गए, कई इलाके डूब गए, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। ईरानी सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार फैसला कुन बर्तरी हासिल करने में नाकाम। इलेक्शन का दूसरा मरहला 5 जुलाई को होगा। टर्न आउट मुल्की तारीख में सबसे कम रहा। और शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान एक फिल्म का 250 करोड़ मुआवजा लेते हैं। पेरिस में दूसरे नंबर पर रजनीकांत, आमिर खान का 5वां नंबर।